हमारी यहाँ लड़की सातवा महीना चलने से पहले अपने मायके नहीं जा सकती। जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था मेरे लिए। इन सात महीनों में जिंदगी में सन्नाटा था और पेट में एक जिंदगी। मैं कैसे आदमी के साथ जिंदगी बिता रही थी जो मेरे नजरों से पूरा उतर गया था, लेकिन पेट में उसी का बच्चा था। उन सात महीनों में उसने अपने इस घटियापन को एक स्वाभाविक मर्दाना अभिमान बताकर उस पर धूल डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मन में उस इमेज बिल्डर की सच्ची इमेज साफ हो चुकी थी। एक ही बिस्तर पे, एक ही छत के नीचे मैं एक अनजान शख्स के साथ रह रही थी। अपने पेट में पनप रही जिंदगी से बार बार कह रही थी कि जल्दी से इस दुनिया में आ जा, बहुत अकेली हो गई हूं। एक दिन सातवां महीना लगने के बाद मैंने मिहिर से कहा, मुझे जामनगर जाना। छुट्टी की अर्जी दे दी है, सैंक्शन होते ले जाऊंगा। कब तक होगी? पता नहीं। ठीक है, दो तीन दिन में नहीं हुई तो मैं खुद चली जाऊंगी। अरे बा, अरे ये दीपक भी कमाल है। चलो चलो करके दो घंटे पहले आ गए। अरे इतनी जल्दी थी तो धरा को जितल सर से उठा लेते। वो क्या है ना, बच्चों का प्रवास के वक्त होता है ना, ऐसा उसका हुआ है। 8 बजे की ट्रेन थी, 4 बजे का अलार्म लगाया। उसका बस चलता तो हम लोग को रात में ही लाके इधर अंधेरे में खड़ा कर देता। अरे बा, ये मीर कुमार साथ में क्यों नहीं आए? उनकी नई नई नौकरी है ना, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। इस शहर की नौकरी की बात ही ऐसी है, इससे तो अपना जामनगर है, कभी भी छुट्टी मिल जाती है। बा, एंजॉय। देख, तारी रॉकेट आ गई। मैं ठीक हूँ बेटा। मफत का काम। बर 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 बर। अभी मुड़ के पैर छूना बाद। ऐसे एयर होस्टेस ही कर रहा हूँ ना। एयर। 3 आइटम बनाइए तेरे लिए। मन करे तो ढेबरा और दही। उसका मन ना करे तो कढ़ी और रोटला। और उसका भी मन ना करे तो छुंदो अने हांडवो। इन तीनों का मन करे तो तीनों है। अब क्या करे? ऐसे वक्त में मन दो दो मिनट में बदलता रहता है ना बेटा? क्या हुआ बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मैं थक गई हूँ थोड़ी सी बस। अरे घर पे चल, सारी थकान दूर हो जाएगी। चल अभी जा, अभी जा, आजा आजा। ए माफ़ किया। अरे सुनो सामान, अरे आ सामान एक काम करो, बैठ बैठ बैठ, पाँच और मुकी दिए। चलो रे, गावस कर तो गावस करे, पर तेंदुलकर को देखो, उसके बाल देखो। अब बोलो, इन सबको देख के थकान दूर हो गई कि नहीं? चल आ जा। आजा 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 आजा। ये देख तेरे लिए खास सिलवाए हैं, खुले खुले है ना, हा? अच्छा लगेगा, और इसमें कितनी सुंदर लगेगी मेरी बच्ची। धरा बेटा पहले नाना है या कुछ खाएगी? मैं थक गई हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर। अरे सांजे घर आवी जजे, तेरी चाची राह देख रही है। हाँ जरूर आऊंगी। हाँ, शाम को उसे लेके आना। चलो मैं जाता हूँ। हाँ भले भले। क्या हो गया इसको, ठीक तो है ये? हाँ बिल्कुल ठीक है। स्टेशन से देख रहा हूँ एकदम शांत शांत है। होता है ऐसा, ऐसे वक्त में मूड बदलता रहता है। हाँ क्या कह रही हो?
सूरज को तो ऐसा नहीं होता था। हाँ तो ये तेरी बेटी है ना। मुझे आते जाते मारती रहती है। धरा 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 मने खबर छे तू जागे छे। क्यों सोने का नाटक कर रही है? देख धरा, जब से तू आई है ना मुझे ठीक नहीं लग रही। मने चिंता थाय छे। बस बस अब बहुत हो गया, उठ जा। चल 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 उठो 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 अरे उठ जा उठ जा उठ जा। अरे क्या कर रहे हो पापा? सो रही हूँ। अच्छा, जब तू सोती है ना तो तेरी आंखें ऐसी इतनी खुली रहती है, वो वजन का टिकट आता है ना उतनी, और जब गहरी नींद में होती है ना तो ये पलकों के पीछे आंखें ऐसी ऐसे ऐसे फास्ट फास्ट घूमती रहती है थॉमसन की बॉल की तरह। पता चल जाता है तू तेजी से सपने देख रही है। बात करती है। तेजी से सपने देखना छोड़ दिया है मैंने पापा। सचमुच सो रही थी मैं। देख पापा हो तेरा, उल्लू नहीं बनाना। क्या हुआ है? ए मारा रॉकेट, क्या हुआ है? हाँ? मुझे कहीं ले चलो पापा, खुले में आसमान के नीचे। अरे पापा, नहीं हो रहा है ये ऐसे, इतने गड्ढे रास्तों पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों इतनी जिद कर रही हो इस टाइम पे तुम। इस टाइम पे ही तो ये बहुत जरूरी है पापा। ये खुली हवा, ये मिट्टी की खुशबू, ये तालाब तक जाने वाला सीधा साधा रास्ता, और एक कंधा जिस पर मैं बेखौफ अपना सिर रख सकती हूँ। ठीक है चलते हैं। संभालना पर। अरे क्या कर रहे हो पापा, सब पत्थर डूब रहे। ये सब क्या करवा रही हो तुम मुझसे? बताओ क्या हुआ है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। 7 महीनों से बहुत कुछ मन में दबा के रखा है पापा। यूं ही बोल देती तो शायद अपने आप को संभाल नहीं पाती। अब ये तालाब देख लिया, आपको पत्थर डालते देख लिया तो मन थोड़ा हल्का हो रहा है। हाँ पता, फिर क्या हुआ है? पिच जो है ना वैसी नहीं थी जैसा हमने सोचा था। अरे ये दीपक क्या ने फिर से फोन काट दिया।
पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। मुझे तो बाप पिछले 3-4 महीने से बहुत फिक्र हो रही है। अब जब भी फोन करती थी इधर आप, मुझे उसकी आवाज में मायूसी लगती थी। हे भगवान, वो तो संभाली ले छे। कुछ बड़ा तो नहीं हुआ होगा ने? ना बा, बड़ा कुछ नहीं हुआ होगा। तो फिर ये दोनों बिना बताए चले कहाँ गए? नाना कुछ तो हुआ है, श्रीमंत की रस्म भी नहीं हुई, मेहर भी उसे छोड़ने तक नहीं आया। अरे बा, छुट्टी नहीं मिली होगी मेहर कुमार को। ऐसे वक्त में कुछ भी करके आदमी छुट्टी ले लेता है, और नहीं तो धरा रुक जाती शनिवार रविवार तक। लगता है कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा। फिर छोटे मोटे झगड़े में पति पत्नी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, अबोला होते हैं, ये ऐसे साथ नहीं छोड़ देते। नाना कुछ तो हुआ है, बड़ा हुआ है। तू एक काम कर, हम मंदिर जाते हैं, भगवान से बात करते। तू मंदिर की तैयारी कर जा। ठीक छे बा। ने शक किया तुम पे? कुछ जिंदगी ऐसी जी जाती है पापा, बिना कोई उम्मीद के, उत्साह के, बिना कोई अरमान के। हाँ, एक हाथ कोई वजह होती है जिससे जिंदगी की डोर थमी रहती है। मेरे पास है वो बच्चा, उस बच्चे की माँ हूँ मैं। मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी जिंदगी सोच के रखी है पापा, और मैं इसे वो जिंदगी दूंगी, देके रहूंगी। सब सिर्फ मेरे लिए नहीं, इसके लिए जी रही हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं जीने दूंगा तुम्हें। ऐसे नहीं जिया जा सकता। मैं बात करता हूँ उससे, मेरे से। मैं बात, ये मेरे पापा, मेरी जान, बात करके कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक इंसान था जिसके चेहरे से पर्दा हट गया है। अब मैंने उसे पूरा देख लिया है पापा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हम उसे मजबूर कर सकते कि वो पर्दा फिर से लगा ले। लेकिन उस पर्दे के पीछे का इंसान मैं देख चुकी हूँ पापा, क्या फायदा? कोई प्रॉब्लम हो तो बात करके उसे सुलझाया जा सकता है, पर ये हकीकत है, हकीकत नहीं बदली जा सकती पापा। नहीं, सब कुछ बदला जा सकता है। कुछ इंसान नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। और मैं भाग भी नहीं सकती। अब इस बच्चे को उसका बाप तो देना पड़ेगा ना। आपको बता दिया, अच्छा लग रहा है। अब मम्मी और बाप को भी बता देना। ए मेरा रॉकेट, ऐसे नाउम्मीद नहीं होते बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मंदिर चलते हैं, जरूर रास्ता निकलेगा। चल चल, संभाल इधर। अरे अच्छा हुआ आ गए तुम, कहाँ चले गए थे? हाँ, फोन भी काट दिया मेरा। चल आजा बेटा, पगे ला के ले आओ। बा एक मिनट, मंदिर में जाने से पहले कुछ बात करनी है।
ये सब कब से चल रहा था? तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सही वक्त पर बताया उसे। और आवेशो कर शोभा, हमारे सर पर हनुमान दादा का हाथ है, जरूर रास्ता दिखाएंगे। तारा, पता है मुझे ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन तेरी कोख में एक और दिल धड़क रहा है। माँ मायूस होती है, अंदर से बच्चा भी जान लेता है, डर जाता है। पता है मुझे, इसीलिए तो आप सबसे बात की। मन हल्का हो रहा है। हल्का ही रहना चाहिए, अभी तो हम बस इतना ही कर सकते हैं कि 2 महीने आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में लग जाते। तारा, हाँ तेरे साथ जो हुआ वो तो नहीं भूल सकती उसे, लेकिन भूलना होगा तारा। हम सब मिलकर उसे भूलने की कोशिश करते हैं। हमने क्या सोचा था कि जब ये आएगी तब हम गाएंगे, खिचोड़ियां खाएंगे, हम तुमसे आने वाले बच्चे के स्वागत में लग जाएंगे, बस तो फिर यही करते हैं। हाँ, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, हनुमान दादा संभाल लेंगे सब, उत्सव करेंगे हम, हाँ जलसा करेंगे। अरे भाई, आप लोग यहाँ क्यों रुक गए? दादा आप लोगों का अंदर राह देख रहे हैं। वो क्या है ना कि मंदिर के पीछे सड़क पे रात में काम चल रहा है, बड़ी आवाज होती है, दादा सो नहीं पाते, इसलिए आजकल दिन में सो रहे हैं। अब ऐसा कीजिए ना, आप लोग अपनी बात मुझे बताइए, किससे क्या भूल हुई है, हम दादा से बता देंगे। किससे भूल हुई है पता नहीं, शायद दादा से ही हुई है। किसी से भूल नहीं हुई है, आप जाइए, हम आते हैं। ए अक्कलमठा, तू इसको स्कूटर पे घुमा रहा है? हाँ, मफत को फोन लगा, उसको बोल गाड़ी लेकर आए और स्कूटर लेकर जाए। हाँ, घूमने चलते हैं, जलसा करेंगे, चल पगे लाके। सरोज आले, चल बेटा। अच्छा, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।